काफी यूनिक फंक्शन होगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सही मायनों में गणतंत्र दिवस कल लोग मनाएंगे। आज तक जिस तरह हमारे संविधान से पॉलिटिकल लीडर से खिलवाड़ किया, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स करके कभी टाडा बना दिया, कभी यूएपीए बना दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, उस सबको ठीक कराने की हमारी मांग भी रहेगी। क्योंकि उसी संविधान में ये नए तीन कानून लाकर सिर्फ किसान को नहीं, टोटल पॉपुलेशन को इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। दो महीने कल हमें यहाँ बैठे हुए हो जाएंगे और इसके बाद ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, 1 फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और उसकी डिटेल्स एक दो दिन में डिक्लेयर कर देंगे। और वही नहीं, बात खत्म होगी, 1 फरवरी से आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। उसके भी जो प्रोग्राम है बार बार समय समय पर हम डिक्लेयर करते रहेंगे। और ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानती, ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को अपील है कि पूरा राउंड लगा के अपने अपने रूट पे वो घर नहीं जाएंगे। ये जितने ट्रैक्टर्स आए हैं, जितने किसान आए हैं, ये यही बैठ जाएंगे। उनके लिए व्यवस्था कुछ केएमपी के ऊपर की गई है, कुछ इधर उधर की गई है। कोई किसान वापस ना पंजाब को, ना हरियाणा को, यूपी को, राजस्थान को, उत्तराखंड को, जो किसान आ रहे हैं वो वापस नहीं जाएंगे। सभी प्रदेशों से जो बसों से पैदल जो जत्थे आए हैं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और दूसरे राज्यों से, वो भी इस आंदोलन में लगातार यहाँ हाजिर रहेंगे और ये जारी रहेगा। बाकी देश से और जत्थे आ रहे हैं और ये सरकार को कल पता चल जाएगा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन सारे देश का है। और कल बॉम्बे में जो हुआ वो सरकार के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। और कल बेंगलोर में ऐसे ही एक बहुत बड़ी किसानों की रैली, ट्रैक्टर रैली कल बेंगलोर में भी होने जा रही है। ऐसे हर स्टेट में प्रोग्राम चल रहे हैं, ये देश सारे देश में आंदोलन फैल गया है। अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अपनी गलती सुधार के सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती। धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी जो हमारे ये पूरा मैनेजमेंट जो कल था उस कमेटी के इंचार्ज हैं, वो रखेंगे। उससे पहले मैं इतनी बात जोड़ दूं कि पहल संयुक्त किसान मोर्चे का ये भी है कि दुनिया में जहां भी देशवासी बैठे हैं, भारत के लोग, पंजाब के लोग, वो भी इस गणतंत्र दिवस को ऑब्जर्व करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ये भी कहा। एक बात और स्पष्ट करनी रहेगी, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इस आंदोलन में हमेशा ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है, अगर गड़बड़ी होगी तो सरकार वो कर सकती है, हमारी तरफ से कोई नहीं होगी। आपने देखा, हमने आपके सामने एक लड़का पेश किया जो पुलिस को सौंपा गया, जिसने सनसनीखेज खुलासे किए। उसके बाद परसों चौथ एक गाड़ी पुलिस की वर्दियों की, वो भी पुलिस को पकड़ाई। और कल टीकरी बॉर्डर में वहाँ पे एक लड़का, उसके पास रिवॉल्वर था और एक और था उसके साथ, वो भाग गया। वो कल रात को 2 बजे वो भी पुलिस को पकड़ाया। पुलिस की एजेंसीज इस आंदोलन का नुकसान करने के लिए बहुत सरगर्मी से काम कर रही है। हमारी सरकार से अपील है, ये किसान है, ये आपके पॉलिटिकल विरोधी नहीं, ऐसी गलती मत करना ताकि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़े। हम पीसफुल रहेंगे, पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी, पत्रकार दोस्तों, यानी मैनेजमेंट 26 जनवरी का की प्रोग्राम है सुन लिया, 26 तो अगे की ऐलान वह भी सुन लिया। थोड़ा मैनेजमेंट अभी लम्मा चौड़ा प्रोग्राम है, कई मार्च होने ने, 2 मार्च तक डिकलेयर ही हो गए, 26 का जरा 2-3 दिन यह चलूगा। बाकी पार्टी बजट 15% यानी ट्रैफिको कंट्रोल, ट्रैफिको दूसरा पर्सनल सिक्योरिटी के लिए।
दूसरी बात यह है कि जो 6-7 कमेटी बनी है, जैसे लंगर कमेटी है, पैक फूड कहाँ कहाँ देना है, किस किस स्पॉट पर देना है, उसके लिए पूरी कमेटी बनी है। इसके अलावा यदि प्रेस के लिए कोई प्रेस रिपोर्ट्स देना है और जो कैसे चलना है उसमें एक मोटा है।